जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर सैन्यो लाडलो लाडलो, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों SSGD की भर्ती आ चुकी है, आप सबको वैसे पता चल गया है क्योंकि आज के समय में आप अब नींद में नहीं हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है फॉर्म्स को लेकर हमेशा ही होता है, एक तो फर्स्ट चॉइस को लेकर जिसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए कि सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक भी दे दूंगा, उस वीडियो को आप अच्छे से एक बार जाके देख लीजिए। इसके बाद में जो सबसे बड़ा डाउट रहता है वो ये रहता है, क्या हम अदर स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं? ये डाउट कहां से आता है, पहले आप ये बात समझ लीजिए। SSGD एकमात्र ऐसी वैकेंसी है जिसमें स्टेट वाइज वैकेंसी निकलती है, यानी हर एक स्टेट की अलग अलग वैकेंसी निकलती है, मेरिट अलग अलग रहती है। ज्यादातर बच्चे कोशिश करते हैं कि हम उन राज्य से फॉर्म भर सके जहां से मेरिट कम जाती है, जैसे तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये ऐसे राज्य है, और भी कई, कर्नाटक, केरल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, असम, पश्चिम बंगाल, ये ऐसे राज्य है जहां की मेरिट बहुत कम जाती है। इन राज्यों की तुलना में जैसे राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा, बिहार, इन राज्यों की मेरिट क्या ऊपर रहती है। अक्सर यहाँ के बच्चे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं फॉर्म भरने को लेकर, अंततः उनका फॉर्म क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, आपने सुना होगा कई बार बच्चे बोलते भी है, मेरे पास में अकेडमी में भी आते हैं, मेडिकल के दौरान भी कई बच्चे आते हैं जो बोलते हैं कि सर मेरा दोस्त तो गुजरात से फॉर्म भरा था, उसका तो रिजेक्ट नहीं हुआ, उसका तो फाइनल सिलेक्शन हो गया, लेकिन मैं जब भरा मेरा रिजेक्ट हो गया। या अगर मैं गुजरात से फॉर्म भरता हूं तो क्या मुझे वहीं के डॉक्यूमेंट्स पेश करने पड़ेंगे, अगर मैं बंगाल से फॉर्म भरता हूं क्या मुझे वहीं के डॉक्यूमेंट्स पेश करने पड़ेंगे। ये काफी बड़ी समस्या है और हर कोई चाहता है अपनी नौकरी लगना, ताकि कम नंबर पे लग जाएंगे तो और बढ़िया है। इसके बारे में नोटिफिकेशन में भी डिटेल में लिखा हुआ रहता है, अभी मैं आपको और पूरा डिटेल में समझा दूंगा। साथ ही लाडलो आप एक बात और जान लीजिए, अगर आप SSGD की तैयारी कर रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट बुक में से ये बुक है, आप ले सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूं। इसमें 2019 से लेकर 2023 तक के सभी प्रश्न है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज ये बुक है किरण पब्लिकेशन की तरफ से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको चाहिए इनमें से कोई बुक आप ये ले सकते हैं। देखो नोटिफिकेशन में जो ये चीज लिखी हुई है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, इसी का हिंदी रूपांतरण करके मैं आपको बताता हूं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास पर SC ST या OBC श्रेणी की जातियों के उम्मीदवारों को एक सूचित विकल्प चुनना होगा कि क्या मूल राज्य में आरक्षण का लाभ मिलेगा या अन्य राज्य से अनारक्षित उम्मीदवार के रूप में उपस्थित होना है। समझ गए बात को, SC ST या OBC श्रेणी के जो भी बच्चे हैं वो अदर स्टेट से अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उनको विकल्प चुनना पड़ेगा कि मुझे मेरे ही राज्य का आरक्षण मिले या जिस राज्य में मैं फॉर्म भर रहा हूं वहां का नियम लागू। अगर वहां का नियम लागू होगा तो आपकी कैटेगरी हट जाएगी, आप वहां पर जनरल फाइट करोगे। क्या फाइट करोगे? जनरल कैटेगरी फाइट करोगे। अब हां, यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या आती है, समस्या ये आती है कि कई बार ऐसा होता है जैसे गुजरात की जनरल मेरिट गई, मान के चलो परसेंटेज में बात करते हैं 100 में से 40%, समझ गए बात को, और आपके नंबर है 60%, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है और आप क्या बोलते हो कि सर मैं तो वहां की जो जनरल कट ऑफ है उसको फाइट कर लिया, फिर मेरा सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ, वहां की जनरल कट ऑफ तो 40 ही है, मेरे तो 60% नंबर है। उसमें भी एक नियम लागू होता है, नियम लागू यह होता है कि हर एक राज्य अपने, जैसे भी राजस्थान है या अदर स्टेट को 5% आरक्षण देता है। ये नहीं मान के चलिए कि राजस्थान में SSGD की 100 सीट आएगी तो उनमें से 5 सीट पर अदर राज्य के बच्चे भी आ सकते हैं, जो यहां की जनरल को भी फाइट कर दे तो वो भी आ सकते हैं, समझ गए बात को, उससे ज्यादा नहीं। तो जनरल कटो तो फाइट करनी है, लेकिन हर एक राज्य का अपना एक पैरामीटर होता है, अपना परसेंटेज होता है, दूसरे राज्यों को जो जॉब ऑफर करता है उसके अंदर ही आपकी मेरिट बनेगी, ना कि उस राज्य की जनरल कैटेगरी के हिसाब से। उस राज्य की जनरल कैटेगरी में तो आप आओगे आओगे, साथ ही अदर स्टेट से जितने फॉर्म भरे गए हैं उनमें से भी आपको टॉप पर आना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है, ना कि उस राज्य, जैसे मान के चलो जैसे तेलंगाना, आप सब तेलंगाना से फॉर्म भर दिए या आप सब केरल से फॉर्म भर दिए, अब केरल में तो जनरल कैटेगरी की मेरिट भी 30% रहती है, अब राजस्थान में तो कोई तैयारी करने वाला ऐसा कोई बच्चा ही नहीं होगा तो 30% फाइट नहीं करेगा, लेकिन केरल अदर स्टेट को ऑफर ही नहीं करता सीट, तो आप वहां से फॉर्म भरोगे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जब तक आपको जानकारी नहीं होती कि कौन से राज्य में कितना परसेंट ऑफर करता है तब तक आप उस राज्य से फॉर्म मत भरना, समझ गए बात को। आगे है प्रवासन का इस विकल्प का प्रयोग अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा, आवेदन पत्र में जमा करने के बाद ऐसे विकल्प में बदलाव
कि किसी भी अनुरोध को नहीं माना जाएगा, यानी बाद में बदलाव नहीं कर सकते आप। यदि कोई उम्मीदवार मूल राज्य से आरक्षण का लाभ लेने का विकल्प चुनता है तो उसे आवेदन पत्र और अपनी उम्मीदवारी में अपने मूल जिले या राज्य के साथ साथ अपने वर्तमान निवास स्थान के जिले और राज्य के बारे में जानकारी जमा करनी होगी। मूल राज्य से विचार किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को मूल राज्य से अधिवास प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। कहने का मतलब, अगर आप मान के चलिए जिस जहां से रहते हो अगर वही का आरक्षण आप लेना चाहते हो तो आपको वहां के डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। जैसे मान के चलो आप गुजरात से अपने फॉर्म भरा तो आपको गुजरात के डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। अभी आप कहां पे रह रहे हो ये भी बता सकते हो, लेकिन उसकी जरूरी नहीं है। जैसे मान के चलो आप राजस्थान रह रहे हो लेकिन आपके पास में डॉक्यूमेंट गुजरात के हैं तो आप गुजरात का फॉर्म भर सकते हो। अभी करंट लोकेशन में आप कहां रह रहे हो उसका कोई प्रमाण पत्र आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जहां का आरक्षण चाहिए, अगर आरक्षण चाहिए तो वहां के डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे, जैसे डोमिसियल हो गया ये सब कुछ। अब आपको आरक्षण नहीं चाहिए कि सर हम तो गुजरात से जनरल कैटेगरी फाइट कर सकते हैं, तो आपको वहां के डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराने पड़ेंगे। आप राजस्थान में रहते हुए भी गुजरात से फॉर्म भर सकते हैं लेकिन वहां की जनरल कैटेगरी फाइट करनी पड़ेगी आपको। और मैं बता दूं कई बार ऐसा होता है कि वहां की जनरल कैटेगरी जो मेरिट है वो काफी हाई चला जाती है। कब? जब वहां पर ज्यादा लोग फॉर्म भर देते हैं तो आप सोच रहे होते हैं कि गुजरात के बच्चों के साथ हमारा कंपटीशन है। नहीं, उनकी पोस्ट अलग है, आपको 5% ऊपर होती है, आपका कंपटीशन उन्हीं में से होता है। तो कई बार तो उसकी मेरिट काफी लो चली जाती है और कई बार काफी हाई चली जाती है। वो फॉर्म भरने में आपको गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मेरा गुजरात से ही रहे तो आपको अनारक्षित पे क्लिक करना है कि हाँ हमको आरक्षण नहीं चाहिए। अगर आप ओबीसी एससी एसटी से, अगर आप ओबीसी एससी एसटी से आरक्षण चाहिए और फिर आपने गुजरात पे क्लिक कर दिया कि हाँ हमको आरक्षण भी चाहिए और आप कैटेगरी भी अप्लाई कर दिए, तो फिर आपको वहां के डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। ये है पूरी गणित, समझ गए बात को। तो मेरे ख्याल से ऐसा है कि आप अदर स्टेट की बजाय अपने स्टेट से फॉर्म भरे, अपने स्टेट से ही तैयारी करें, ज्यादा बेटर रहेगा। आप जिस भी स्टेट से तैयारी करते हैं, अगर आपके पास में किसी स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वहां के पूरे दस्तावेज है, तो आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। लाडलो, समझ गए। बाकी आप ऐसी गलती मत करना। आप हमारे अग्रीम बेस से जुड़ सकते हैं कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन पर, और डान के लाडलो हर रोज रात शाम पीएम पर बिल्कुल फ्री टेस्ट होता है। आप कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन पर जाना और फ्री डेली टेस्ट का एक कॉलम है उस पर क्लिक करिएगा। वहां पर हर रोज शाम 7 बजे एक टेस्ट होता है फ्री। आप हमारे अकेडमी में आना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अकेडमी भी आ सकते हैं। लाडलो, जय हिंद जय भारत।